दोस्तों, क्या आप भी अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर टैबलेट किसी पब्लिक प्लेस जैसे कि एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में दिए गए पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स में चार्ज के लिए लगाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना चाहिए और ऐसे फ्रॉड के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि ज्यूस जैकिंग क्या होता है, इस तरह का फ्रॉड या फिर साइबर क्राइम कैसे होता है और आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में ज्यूस जैकिंग होता क्या है। ज्यूस जैकिंग दरअसल एक प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है, जिसमें कि जब भी आप किसी पब्लिक पोर्ट के ऊपर अपना मोबाइल फोन या टैबलेट या फिर लैपटॉप चार्ज के लिए रखते हैं, तब उसी पोर्ट का इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल आपके लैपटॉप या फिर टैबलेट या फिर मोबाइल फोन में स्टोर किया हुआ सारा डेटा कॉपी कर लेता है और चोरी कर लेता है, और फिर उसी डेटा को आपके खिलाफ या फिर किसी साइबर क्राइम की एक्टिविटी में वो यूज़ करता है। तो दोस्तों, ज्यूस जैकिंग क्या होता है ये जानने के बाद आइए अब ये जानते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स ज्यूस जैकिंग को कैसे अंजाम देते हैं। इस फ्रॉड में सबसे पहले जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस यानी कि एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेस पे दिए हुए पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स पे अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर टैबलेट जो भी है वो आप चार्ज पे लगाते हैं, तो उसी सेम पोर्ट का इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स दूसरी तरफ बैठ के आपके फ़ोन या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप जो भी है उसमें स्टोर किया हुआ सारा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेते हैं। दरअसल ये चार्जिंग पोर्ट सिर्फ चार्जिंग के लिए नहीं बल्कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी एनेबल होता है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के साइबर क्रिमिनल्स आपके लैपटॉप या फिर पीसी या फिर टैबलेट में छुपा हुआ सारा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेते हैं और फिर उसी डेटा को इस्तेमाल करके आपके साथ साइबर फ्रॉड करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आप इस ज्यूस जैकिंग साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहला तरीका है कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन ऐसे किसी पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स पे चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो आपको हमेशा अपने मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र मोड डिसेबल कर लेना चाहिए। इस फ्रॉड से बचने के लिए दूसरा तरीका है कि जब भी आप अपना कोई भी डिवाइस ऐसे किसी पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स पे चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो उससे पहले आपको अपने डिवाइस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इस फ्रॉड से बचने के लिए तीसरा तरीका है कि आपको हमेशा अपने साथ एक पावर बैंक ज़रूर कैरी करना चाहिए, ताकि आपको ऐसे पब्लिक प्लेस में दिए गए पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स पे चार्ज करने के लिए मजबूर ना होना पड़े और आप ऐसे फ्रॉड से बच सकें। इस फ्रॉड से बचने के लिए चौथा तरीका है कि आपको एक डेटा डिसेबल्ड चार्जिंग केबल खरीद लेना चाहिए, जिससे कि आप जब भी ऐसे किसी पब्लिक प्लेस में दिए गए चार्जिंग पोर्ट्स पर अपना डिवाइस चार्ज करने के लिए रखें तो कोई भी आपका डेटा आपके डिवाइस से चोरी ना कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सके। और आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए साइबर क्राइम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।